मूवी स्टार्ट होती है और हमें मिस्र के इतिहास के बारे में पता चलता है कि कैसे मिस्र के देवता अपनी झूठी रचना रचकर इंसानों के साथ रहा करते थे और वहाँ के इंसान उन्हें पूछते थे और जो वहाँ के देवता थे उनकी बॉडी के अंदर खून की जगह सोना दौड़ता है और वो जब भी चाहे किसी भी जानवर का अवतार ले सकते थे और उनके शरीर इंसानों से बहुत ही बड़े होते हैं और मिस्र जो है वो दो शक्तिशाली भाइयों के बीच बंटा हुआ था। अब हमें यहाँ पता चलता है कि ओसायरिस जो था वो जिंदगी का देवता था और सेठ जो है वो दूर बंजर जमीन का देवता था। और फिर वो दिन आ गया जब ओसायरिस के बेटे होरस की ताजपोशी थी और जब होरस की ताजपोशी हो रही होती है तब वहाँ पर बहुत सारे देवता आते हैं और उस समारोह में होरस का बहुत सम्मान कर रहे होते हैं और वहाँ पर हम बेक और जया को भी देखते हैं जो एक दूसरे के लवर होते हैं। और जब होरस को मिस्र का राजा बनाया जा रहा था तो उसी वक्त वहाँ पर ओसायरिस का भाई सेठ वहाँ आ जाता है और तोहफे में वो होरस को एक बिगुल देता है और उसे बजाने के लिए कहता है और जब होरस उसे बजाता है तो वहाँ पर बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं और सभी लोगों को घेर लेते हैं और सेठ कहता है कि तुमने 1000 साल इस देश पर राज कर लिया और अब राज करने की बारी मेरी है। इसके बाद ओसायरिस सेठ से लड़ने के लिए मना करते हैं और कहता है कि तुम मेरे भाई हो, लेकिन इसके बावजूद भी सेठ ओसायरिस को खंजर घोंप देता है और पूरे मिस्र का राजा बन जाता है। और अब सेठ की जबरदस्ती से सभी देवता और इंसान अपने घुटने टेक कर सेठ को अपना राजा मान लेते हैं। इसके बाद सेठ कहता है कि अब से पुनर्जन्म के लिए लोगों को दौलत देनी पड़ेगी और फिर ओसायरिस की मौत हो जाती है। इसके बाद होरस और सेठ के बीच एक जबरदस्त फाइट चलती है और वो दोनों एक दूसरे को बराबर टक्कर देते हैं। इसके बाद होरस अपने देवता वाले अवतार में आ जाता है और इधर सेठ भी अपने देवता वाले अवतार में आ जाता है और फिर से उन दोनों के बीच एक धमाकेदार लड़ाई होती है। और जब इंसानी लोग वहाँ से भागने लगते हैं तो उसी वक्त जया और बेक एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। इधर सेठ होरस को हरा देता है और उसके पास जाकर उसकी दोनों आंखें निकाल लेता है और जब वो उसे जान से मारने ही वाला होता है तो हाथोर वहाँ आकर उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि हाथोर होरस की प्रेमिका होती है और वो सेठ के साथ रहने के लिए रेडी है। जिसके बाद सेठ होरस को बख्श देता है। अब यहाँ से बहुत समय गुजर जाता है और मिस्र के सभी लोग सेठ के गुलाम बन जाते हैं और इधर हम देखते हैं कि बेक और जया भी गुलाम बन जाते हैं। इसके बाद बेक जया से मिलने जाता है और जया को लगता है कि होरस उन्हें फिर से बचाने आएगा अगर उसकी आंखें उसके पास आ जाएं तो। इसके बाद जया बेक को होरस की आंख चुराने के लिए कहती है क्योंकि उन्हें फिर से अच्छी जिंदगी जीने के लिए होरस की मदद करनी होगी और अगर होरस सेठ को हरा देगा तो फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। इसके बाद बेक और जया को खजाने वाली जगह पर होरस की आंख लाने का नक्शा मिल जाता है और इधर हम सेठ को मुखिया के साथ देखते हैं जो सेठ के लिए एक बहुत ही बड़ा मीनार बना रहा होता है। इसके बाद रात के वक्त बेक सोने की गाड़ी में छुप जाता है और होरस की आंख चोरी करने के लिए जाता है और जब वो सोने की गाड़ी से खजाने वाली जगह पर गिरता है तो उसे वहाँ पर बेसुमार सोना दिखता है और वो नक्शे में देखता है कि उसे दो पुल पार करके होरस की आंख लेनी है और उसे पार करने के लिए वहाँ बहुत सारे जाल बिछाए गए हैं। इसके बाद बेक बड़ी मुश्किल से जाल से बचते हुए दो पुल पार करता है और देखता है कि वहाँ तीसरा पुल भी है जिसका जिक्र नक्शे के अंदर नहीं किया गया है और वहाँ पर होरस की सिर्फ एक ही आंख होती है। जिसके बाद बेक बड़ी मुश्किल से तीसरे पुल को पार करके होरस की आंख के पास पहुँचता है और जब वो होरस की आंख पा लेता है इसके बाद बेक जया के पास जाता है, लेकिन तब तक वहाँ पर मुखिया को जया और बेक की सच्चाई पता चल जाती है और जब मुखिया उन दोनों को मौत की सजा देने वाला होता है तब बेक होरस की आंख को निकालता है जिसमें से बहुत सारी रोशनी निकलती है और मौका पाकर वो दोनों वहाँ से एक घोड़े की बगी पर बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जब वो दोनों भाग रहे होते हैं तो मुखिया पीछे से तीर चलाकर जया को जान से मार देता है, लेकिन बेक जया को लेकर उस जगह से निकल जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि बेक होरस के पास जाता है और हम होरस को देखते हैं जो बिल्कुल ही बेसहारा हो गया है और बेक उसे बताता है कि उसकी आंख वो लेकर आया है, लेकिन वो उसकी आंख उसे तब देगा जब वो जया को बचाएगा। इसके बाद होरस जया को बचाने की कोशिश करता है मगर वो कहता है कि इसे फिर से पुनर्जन्म लेना होगा तभी वो जिंदा बच सकती है। वो कहता है कि वो देवता तो है मगर वो किसी को जिंदगी नहीं दे सकता है। इसके बाद होरस न्योब देवता को बुलाता है और वो देवता जया की सोल को निकालता है और उसे पुनर्जन्म के लिए लेकर जाता है। तब बेक कहता है कि उसके पास तो सोना नहीं है तो वो पुनर्जन्म नहीं ले पाएगी और अब बेक होरस को उसकी आंख दे देता है और उसे सेठ की जहाँ पर शक्तियाँ रखी हुई है जिसे रेड की आंख कहा जाता है उस जगह का नक्शा बताता है। और अब होरस बेक को बताता है कि जया मर चुकी है इसलिए वो उसे नहीं बचा सकता, लेकिन अगर वो फिर से मिस्र का राजा बन जाएगा तो सेठ को वो हरा देगा और उसके पास इतनी पावर आ जाएगी कि वो जया को पुनर्जन्म दे देगा। लेकिन होरस कहता है कि ये सब बातें झूठी है क्योंकि कोई भी देवता के पास इंसान को जिंदा करने की शक्ति नहीं होती है। और इसके बाद वो दोनों जहाँ पर सेठ की शक्तियाँ रखी हुई होती है वहाँ जाने की बात करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि राजा सेठ को सब कुछ पता चल चुका है और उसे ये भी पता चल गया है कि होरस की आंखें चोरी हो गई है और उसे इस बात को सुनकर बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि होरस और बेक एक पहाड़ पर चढ़कर सूरज के देवता के पास जाते हैं जो कि होरस के दादाजी होते हैं और फिर होरस अपने देवता के रूप में आ जाता है और बेक के साथ उड़कर अपने दादी के पास जाता है और फिर होरस अपने दादा से एक शीशी में सूरज का पानी भरने की परमिशन मांगता है जिससे सेठ के रेत की आग को खत्म किया जा सके। और फिर होरस वो पानी भर लेता है
और इसके बाद हम देखते हैं कि सेठ जो देवता उससे गद्दारी कर रहे होते हैं वो उन सभी को मारा होता है। और इसके बाद वो एक देवी के पास जाता है और हमें पता चलता है कि सेठ को कभी भी कोई भी संतान नहीं होगी और वो देवी और कोई नहीं बल्कि सेठ की वाइफ होती है और ये बात उस देवी को भी पता होती है। और जब वो देवी वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो सेठ उसे भी जान से मार देता है। इसके बाद होरस और बेग जमीन पर आते हैं और बेग जब पानी पीने के लिए पानी भर रहा होता है तो वहाँ पर सेठ के बहुत सारे साथी आ जाते हैं और वो सब भी देवता होते हैं। इसके बाद देवता बेग को पकड़ लेता है और उसे होरस के बारे में पूछता है और फिर वहीं पर होरस भी आ जाता है और वो उन सभी देवताओं को मार देता है। और जो आखिरी देवता होता है वो एक पत्थर से होरस को मारता है और वो दोनों पानी की एक बहुत ही बड़ी खाई के अंदर गिर रहे होते हैं। तभी होरस अपने भाले से खुद को और बेग को बचा लेता है। इसके बाद वो बचा हुआ देवता सेठ के पास जाता है और उसे वहाँ जो कुछ भी हुआ उस सब की जानकारी देता है। ये सुनते ही सेठ हाथोर के पास जाता है और उसे कहता है कि उसे मौत के द्वार में जाना है क्योंकि उसे पूरी दुनिया पर कब्जा करना है। और हाथोर के पास जो कड़ा होता है उसे मौत का द्वार ओपन होता है, लेकिन हाथोर ऐसा करने से मना कर देती है। और अगले सीन में हम हाथोर को देखते हैं जो अपने जादू से होरस पर नजर रख रही होती है क्योंकि हाथोर होरस से लव करती है और इस नजारे को सेठ देख लेता है और वो समझ जाता है कि हाथोर उसे धोखा दे रही है और वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी हाथोर अपने कड़े से मौत का द्वार ओपन करती है और खुद को बचा कर वहाँ से भाग जाती है। इधर एक मंदिर के पास बेक और होरस बैठे हुए होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सेठ के भेजे हुए दो बहुत ही बड़े स्नेक आ जाते हैं और वो दोनों उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन बेक की होशियारी से होरस एक स्नेक को जख्मी कर देता है और दूसरे स्नेक को होरस एक ऊंचाई वाली जगह से नीचे गिरा देता है। इधर हम देखते हैं कि जो पहला स्नेक होता है वो जख्मी है और तभी वहाँ पर हाथोर आ जाती है और उस स्नेक को अपने कंट्रोल में कर लेती है क्योंकि वो एक प्यार की देवी होती है। और फिर वो स्नेक खुद को ही जला देता है और वो तीनों बच जाते हैं। और इसके बाद हाथोर उन्हें बताती है कि अगर तुम्हें रेड की आग तक पहुंचना है तो तुम्हें एमिरेट की पहेली को सुलझाना होगा। और फिर वो तीनों एक देवता के पास जाते हैं जिसे हर पहेली का जवाब पता होता है। और फिर वे जब सभी उस देवता के पास जाते हैं तो वहाँ पर जो भी आदमी होते हैं वो सब एक ही शक्ल के होते हैं क्योंकि उस देवता को किसी पर भी भरोसा नहीं होता है, इसलिए उसने अपना ही क्लोन बनाए हुए होते हैं। और वो देवता जो है वो पूरी दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान होता है और उसने पानी और रेत से दुनिया को बनते हुए देखा था। और फिर वो सभी लोग वहाँ आकर उस देवता से मदद मांगते हैं ताकि वो उनकी पहेली सुलझा सकें, लेकिन वह देवता उनके साथ चलने से इनकार कर देता है। जिसके बाद बेग अपनी होशियारी दिखाता है और उस देवता को अपनी बातों में फिसला कर उसे अपने साथ चलने के लिए रेडी कर लेता है। और फिर वो सभी रेत की आग बुझाने रेगिस्तान में जाते हैं जिससे सेठ को कमजोर किया जा सके। और वहाँ पर हाथोर उन्हें बताती है कि तुमने बेग से झूठ क्यों कहा, चाहे कुछ भी हो जाए वो जया को नहीं बचा सकते हैं। लेकिन होरस कहता है कि उसे बेग की मदद चाहिए ताकि वो सेठ को कमजोर कर सके। और फिर अगले सीन में वो सभी आग के दरवाजे के पास पहुँचते हैं और वहाँ पर दरवाजे बंद और चालू हो रहे होते हैं, लेकिन एक बार फिर से बेग अपने सूझबूझ से उस दरवाजे के अंदर चला जाता है और बहुत सारी मुसीबतों से बचकर उस आग के दरवाजे को खोलता है जिससे बाकी लोग भी अंदर आ जाते हैं। और फिर पहले को सुलझाने का टाइम आता है तो एक बहुत ही बड़ा रेत का दानव उनके सामने आता है और वो उस देवता से पहेली को पूछता है, जिसके बाद वो देवता जो है वो दो बार उस पहेली का गलत जवाब देता है और फिर बड़ी मुश्किल से तीसरा जवाब सही दे देता है जिससे वो रेत का दानव मर जाता है। और फिर होरस उस आग के पास जाता है ताकि वो उस पर पानी डाल सके, लेकिन तभी वहाँ पर सेठ आ जाता है जो होरस और उस देवता को कैद में कर लेता है और उस देवता के दिमाग को अपने कब्जे में करके उसे भी खत्म कर देता है। और इधर जब बैग उस पानी की शीशी को आग में फेंकने वाला होता है तो सेठ उसे होरस और हाथोर की सच्चाई बता देती है और वो कहता है कि वो दोनों उसे झूठ बोल रहे हैं क्योंकि जया कभी भी वापस नहीं आ सकती है। और अब मौका पाता ही सेठ उस शीशी को पकड़ देता है और उसे तोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है और अब वह पूरी जगह बर्बाद होने लगती है। तभी होरस उस पिंजरे को तोड़ देता है और वो दोनों वहाँ से सही सलामत जिंदा बचकर निकल जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि बेक उन दोनों से बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है क्योंकि होरस ने उसे झूठ कहा था। और फिर अगले ही पल हाथोर न्यूब देवता को बुलाती है और उसे कहती है कि उसे जया की जिंदगी बचानी है, लेकिन उसके लिए उसे सोना देना पड़ेगा। जिसके बाद वो अपने कड़े को न्यूब को देने के लिए रेडी हो जाती है और जब वो अपना कड़ा निकालती है तो वो मौत के द्वार में चली जाती है और वो कड़ा बेक अपने साथ लेकर न्यूब देवता के साथ जया के पास जाता है। और हम ये भी देखते हैं कि जिस इंसान के पास सोना होता है उसे पुनर्जन्म मिल जाता है और जिसके पास सोना नहीं होता है तो वो खाक बनकर धूल में उड़ जाता है। और जब सोना देने की बारी जया की आती है तो तभी वहाँ पर बेक आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इधर हम सेठ को देखते हैं जो अपने देवता के अवतार में होता है और वो सभी देवता को मारकर उनकी अनमोल चीजों को अपने जिस्म के अंदर डाल रहा होता है जिससे कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर देवता बन सके। और हमें उसके पास बे की दूसरी आंख भी दिखती है
और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाता है। इसके बाद सेठ अपने पिता के पास जाता है और वो उनसे अपनी नाराजगी जाहिर करता है क्योंकि उन्होंने सेठ को राजा नहीं बनाया। और जिसके बाद उन दोनों के बीच लंबी बातचीत चलती है और फिर हम देखते हैं कि सेठ अपने ही पिता से लड़ता है और उन्हें जान से मार देता है, जिसके बाद अंधेरे का राक्षस भी रिहा हो जाता है। और जब बेग जया को बचा रहा होता है तभी वहाँ पर अंधेरे का राक्षस आ जाता है और जया बेग से कहती है कि पहले तुम जाओ और हॉरस की मदद करो, और फिर बेग हॉरस को धोखा देने पर भी उसकी मदद करता है। और हम देखते हैं कि अंधेरे का राक्षस पूरे मिस्र को निगल रहा होता है और उस अंधेरे के देवता के लिए उन्हें हॉरस के दादा की मदद लेनी होगी क्योंकि हॉरस को लगता है कि उसके दादा अभी भी जिंदा है। इसलिए वो मुखिया के पास जाते हैं उसकी मदद लेने के लिए और हॉरस और बेग उसे पकड़ लेते हैं और लिफ्ट के सारे ऊपर मीनार पर जा रहे होते हैं। तभी हॉरस वहाँ से चला जाता है और फिर मुखिया और बेग के बीच लड़ाई होने लगती है और फिर हॉरस भी मीनार के ऊपर चढ़ जाता है और उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। दूसरी तरफ बेग मुखिया को हरा देता है जिससे वो नीचे गिरकर मर जाता है और मीनार के ऊपर की लड़ाई में हॉरस भी कमजोर होने की वजह से सेठ से हारा होता है। और जब सेठ हॉरस को जान से मारने वाला होता है तो वहाँ पर बेग आ जाता है जो उसे बचा लेता है, जिसके बाद सेठ बेग को मारने वाला होता है। लेकिन इसी बीच बेग सेठ के पास से हॉरस की दूसरी आँख को चुरा लेता है और फिर सेठ बेग को मीनार पर से फेंक देता है और बेग भी अब हॉरस की आँख उसको वापस करता है, जिसके बाद हॉरस अपनी आँख को बचाने के बजाय बेग को मीनार से गिरने से बचाता है। और हम देखते हैं कि जब वो दोनों मीनार से गिरते हैं तो हॉरस अपने देवता वाले अवतार में आ जाता है और वो उड़कर बेग को बचा लेता है। और अब एक बार फिर से हॉरस और सेठ के बीच में फाइट होने लगती है और इस बार हॉरस सेठ को हरा देता है और फिर हॉरस अपने दादाजी के भाले से सेठ को जान से मार देता है। और फिर हम देखते हैं कि हॉरस के दादाजी भी वहाँ आ जाते हैं और अंधेरे के राक्षस को हरा देते हैं। इधर हॉरस को उसकी दूसरी आँख भी मिल जाती है और वो एक बार फिर से मिस्र का राजा बन जाता है। और इधर अगले ही पल बेग की भी मौत हो जाती है क्योंकि वो जख्मी हो गया था। इसके बाद हॉरस बेग को जया की कब्र के पास ले जाता है और वहीं पर सूरज के देवता आ जाते हैं और हॉरस से कहते हैं कि अभी तुम कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हारी सब इच्छा पूरी कर दूंगा। जिसके बाद हॉरस सूरज के देवता से सभी लोगों को जिंदा करने की पावर मांगता है और शक्ति मिलते ही हॉरस सबसे पहले बेग और जया को जिंदा कर देता है। और अब हम लास्ट सीन में एक बार फिर से हॉरस की ताजपोशी को देखते हैं और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जो देवता मर गए थे हॉरस उन सभी को वापस से जिंदा कर देता है और वो एक बार फिर से मिस्र का राजा बन जाता है। और अब लोगों को पुनर्जन्म के लिए सोना देने के बजाय नेकी का काम करना होगा और जो लोग सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे उन्हें ही पुनर्जन्म मिल पाएगा। और मूवी के अंत में हम देखते हैं कि हॉरस और बेग एक साथ होते हैं और हमें पता चलता है कि बेग जो है वो हॉरस का मुख्य सलाहकार बन गया है। और अब हॉरस हाथोर को ढूंढने के लिए निकल जाता है और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।